चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर में पिछले 5 दिनों से बंद पानी आपूर्ति शुरू करने की मांग को लेकर घाघर फोड़ो आंदोलन किया गया। चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस की ओर से सोमवार शहर के पिछले 5 दिनों से बंद पानी आपूर्ति सुचारू करे इस मांग के लिए महानगर पालिका के सामने घाघर फोड़ो आंदोलन किया गया। इस समय चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रितेश उर्फ रामू तिवारी, पूर्व महापौर संगीता अमृतकर, अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी खोबरागड़े, प्रीति शाह, इन सभी ने रोष जताते हुए पीने के पानी की समस्या जल्द हल करने की मांग की। इरे बांध के पानी की आपूर्ति शहर को की जाती है, पाइप लीकेज होने के कारण शहर की पानी आपूर्ति बंद है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन 5 दिन बीतने पर भी शहर की पानी आपूर्ति शुरू करने मनपा प्रशासन असफल रहे, जिसे मनपा प्रशासन के विरोध में इस समय घोषणाबाजी की गई, साथ ही घाघर फोड़कर रोष जताया गया, जिसके बाद मनपा प्रशासन को निवेदन पेश किया गया। मनपा के अधिकारी पदाधिकारी अपनी ही धुन में थे। आंदोलन के बाद चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रितेश उर्फ रामू तिवारी इनके नेतृत्व में शिष्टमंडल निवेदन देने के लिए पहुंचे, लेकिन महापालिका में अधिकारी पदाधिकारी कोई भी उपस्थित नहीं थे, जिससे शिष्टमंडल ने सिपाही नाना लांडे इन्हें मांगों का निवेदन पेश किया। आंदोलन में योग कांग्रेस की जिला अध्यक्ष राजेश अड्डूर, चंद्रपुर शहर महिला आघाड़ी की अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, नगर सेवक सकीना अंसारी, नगर सेवक संगीता भोयर, नगर सेवक वीना खनके, नगर सेवक अमजद अली, पूर्व नगर सेवक प्रसन्ना शिरवार, असंगठित कामगार विभाग के जिला अध्यक्ष संदीप सीडाम, अनुसूचित जाति महिला विभाग के शहर अध्यक्ष शालिनी भगत, अनु दहेगावकर, इन आदि के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। दिनों से चंद्रपुर शहर में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है, लोग तरस रहे हैं, पर चंद्रपुर महानगर पालिका लोकार्पण के अपने कार्यक्रम के लिए हाई प्रोफाइल लोकार्पण करने के लिए वो व्यस्त है। आज हम यहाँ निवेदन देने आए थे, पर निवेदन देने के लिए ना कोई महापौर है, ना उपमहापौर है, ना स्टैंडिंग सभापति है, ना अधिकारी है कोई, सिर्फ पूरी महानगर पालिका को वारे पे छोड़ के वो अपना काम कर रहे हैं, घूमने फिरने का काम कर रहे हैं। तो हमने आज यहाँ के जो चौकीदार है उसको हमने निवेदन दिए है, और हम आज इस आंदोलन के माध्यम से महापौर, उपमहापौर और सभापति, इनको हम चेतावनी देते हैं, अगर आने वाले 24 घंटे में लोगों को अगर पानी नहीं मिला तो हम ये आंदोलन यहाँ नहीं करेंगे, उनके घरों पर करेंगे।